दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप देख सकते हैं कि मैं अभी मधुपुर जंक्शन आया हूँ और ये मधुपुर जंक्शन का दृश्य आप देख सकते हैं लॉकडाउन के बाद किस स्थिति में है, जहाँ पे एक तरफ यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ रहता था रेलवे स्टेशन में। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सन्नाटा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। फिलहाल लोगों का कोई भी आवाजमन जो है बहुत ही कम है, पहले की तुलना से बहुत ही कम लोग आ रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे पूरी व्यवस्था लगाया गया है, जो सामने है, सामने के लोकेशन में आप देख सकते हैं काम चल रहा है, जहाँ पे बहुत ही कम लोगों को जो है जाने का अनिवार्य दिया गया है। सामने यहाँ पे मास्क वगैरह लगा के आना है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। और जो है इधर काम भी चल रहा है, आप देख सकते हैं लोकेशन पूरा बदल चुका है, जहाँ पे लोगों का बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता था, आज की डेट में यहाँ पे कोई भी नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं। स्पेशल जो टिकट बनाए हैं, जो जिनको जो ट्रेन यहाँ से है उन्हीं के लिए, आप देख सकते हैं ये लोकेशन है जहाँ पे पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पे पूछताछ के लिए दिया गया है, आवाजमन के लिए पूरी तरीके से सैनिटाइज वगैरह करके अंदर जाने दे रहा है। और पूरी तरीके से जो है लोकेशन मधुपुर का बदल चुका है, जहाँ पे एक तरफ हजारों की संख्या में लोग रहते थे, आज आप देख सकते हैं पूरी की पूरी तरीके से साइलेंट छाया हुआ है, भीड़ बहुत ही कम है। पुलिस प्रशासन की यहाँ मौजूदगी दिखाई दे रही है, जो स्टाफ है वो भी यहाँ पे हैं, जो भी आ रहे हैं उससे बताया गया है किस तरीके से टिकट के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सामने लोकेशन है ये टिकट के लिए है, वहाँ भी पूरी तरीके से लोग हैं, मुस्तैद पुलिस प्रशासन भी हैं। और पूरा डायग्राम भी बताया गया है कि ये जो डायग्राम है इसको आप पार नहीं करना है, इससे यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन जो टिकट के लिए लगा हुआ रहता है लोगों की भीड़, उसके लिए यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से मायने करते हुए रखा गया है। सोशल डिस्टेंस किस तरीके से आपको जो है मेंटेन करना है ये दिखाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टाइम था जब लॉकडाउन से पहले हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग रहते थे, आज यहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरी तरीके से सन्नाटा है। ये सामने का लोकेशन देख सकते हैं, एक भी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे हजारों की संख्या में पहले भीड़ होती थी। तो ये लॉकडाउन के कारण बहुत ही ज़्यादा जो स्पेशल लोग हैं, जिनका ट्रेन यहाँ पे है, वही लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वही टिकट बना रहे हैं, उसके बाद उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है, टिकट चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन का जो है ये है काउंटर, जहाँ पे रिजर्वेशन होता है, बुकिंग आरक्षण देख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल काम भी चल रहा है रेलवे स्टेशन को और भी सुंदर बनाने के लिए। आप देख सकते हैं मधुपुर जंक्शन, जो कि बहुत ही बड़ा जंक्शन है, यहाँ पे लोग जो है दिल्ली, बम्बई और जगह का, सूरत का, इन सभी जगहों का, बड़े बड़े शहरों का, यहाँ से जो है ट्रेन मिल जाती है और ट्रेन से लोग जो है जाते हैं। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के कारण काफ़ी कम संख्या है लोगों का, और जो मजदूर लोग हैं, जो बाहर में पलायन मजदूर हैं, वो फंस गए हैं, वो लोगों का कुछ कुछ लोग हैं जो अभी यहाँ से जा रहे हैं, और उसके बाद ही पूरा जो है बंद है। इधर की लोकेशन की बात करें तो इधर भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सन्नाटा है, जो कि सुलभ शौचालय वगैरह है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका टिकट बुकिंग के लिए है, जहाँ पे लोगों का पहले बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता था। मैं आपको वहाँ भी ले चलता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ टिकट आरक्षण के लिए भी पूरी तरीके से बंद किया गया है, और अभी बहुत ही कम लोग हैं जो पहले रहते थे उसकी तुलना से। सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से मान्य प्राप्त करते हुए यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए डायग्राम बना गया है, जिसके द्वारा वो जो है सोशल डिस्टेंस के साथ ही टिकट वगैरह ले सकते हैं। और पूरी तरीके से यहाँ का दृश्य जो है वो बदल चुका है। इधर की लोकेशन की बात करें तो इधर भी पूरी तरीके से बंद है और इधर भी पूरी तरीके से बंद है। तो ये लॉकडाउन के बाद यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं, जहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ रहता था, आज यहाँ पे कोई भी नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जिनको ज़रूरी है जाने के लिए, वही लोग आ रहे हैं। कोरोना के डर से पूरी तरीके से भय छाया हुआ है लोगों में, और लोगों का जो है मास्क वगैरह लगा के ही आ रहे हैं, जो भी स्टेशन में आ रहे हैं। तो और मैं आपको दिखा, दृश्य है मधुपुर जंक्शन का, जो कि मेन गेट है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों की तांता लगा हुआ रहता था, आज पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से मायने पालन करते हुए यहाँ पे जो है स्केच भी किया गया है, बनाया गया है कि आपको
जो दूरी है 6 गज की वो भी मेंटेन करते हुए आपको लाइन में लगना है टिकट के लिए अगर आप लग सकते हैं तो, और चीज़ों के लिए। और पूरी तरीके से सन्नाटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है मेन दृश्य है। यहाँ के बगल में जो है लॉज वगैरह ये भी बंद है फिलहाल, होटल वगैरह खुला है कुछ कुछ, जहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए ज़रूरत सामानें मिलती है। कुछ लोग यहाँ पे आवाजमन के लिए आ रहे हैं, बाकी पूरी तरीके से सन्नाटा है। लोकल ट्रेन चल नहीं रही है, जो स्पेशल ट्रेन है वही चल रही है, उसी की वजह से जो बाहर से जाने वाले हैं, जो दूर जाने वाले हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पे टिकट दिया जा रहा है। बाकी लोगों के लिए टिकट की सुविधा अवेलेबल नहीं है, चूँकि लोकल ट्रेन भी नहीं चल रही है उसकी वजह से, और पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। तो ये था मधुपुर का दृश्य जो मैंने चाहा आपको दिखाऊँ कि लॉकडाउन के बाद क्या हाल है आप देख सकते हैं, और उसके बाद मैंने चाहा आपको घुमाऊँ कि देख सकते हैं आप। जब भी आप आएंगे यहाँ पे मधुपुर जंक्शन तो आपको जो है सामने देख सकते हैं गाड़ी सुविधा, अंदर पार्किंग के लिए नहीं है, बाहर ही रखना पड़ेगा, और बाहर रख के आपको अंदर आना पड़ेगा। अंदर आप टिकट वगैरह अगर आप लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिए हैं तो फिर दिक्कत होगी। पूरी तरीके से सन्नाटा है, बाहर आपको होटल वगैरह मिल जाएंगे, ज़रूरतें सामानें मिल जाएंगे। और स्टेशन की बात करें तो पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। सामने आप जाएंगे, आपका चेकिंग होगा, टेम्परेचर चेक होगा, उसके बाद ही आपको अंदर जाने के लिए दिया जाएगा। जो सामने आपको नज़र आ रहा है वही है जो मेन गेट है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, उसके बाद ही अंदर जा सकते हैं। और इधर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये था यहाँ का दृश्य जो मैंने आपको दिखाया कि लॉकडाउन के बाद क्या हाल है स्टेशन का। ये देख सकते हैं सामने जो स्टेशन है इसी के अंदर है, वो भी पूरी तरीके से अभी बंद है, कुछ ही गेट चालू हैं, एक गेट जहाँ से आप आवाजमन कर सकते हैं। लोकल ट्रेनें चल नहीं रही है, जिसके कारण से जो स्पेशल ट्रेन है उसी के लिए लोग आ रहे हैं दूर से, और पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है।